हेलो स्टूडेंट्स, आई अज्यूम दैट आप सबकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी. ओके, आज मैं यहाँ पे हूँ, आप लोग एक शेड्यूल दे रही हूँ. जैसे बहुत सारे बच्चे ये बोल रहे हैं कि मैम एक ही महीना बचा हुआ है, मेरी पढ़ाई नहीं हो सकती. ओके, मैं कहती हूँ अभी भी तुम बहुत कुछ कर सकते हो. मैंने शेड्यूल बना रखा है, तुमको दे रही हूँ मैं शेड्यूल. मैं ये शेड्यूल खुद फॉलो किया करती थी. ओके, दो शेड्यूल है, एक उन बच्चों के लिए जो सुबह पढ़ते हैं यानी पूरे दिन पढ़ना प्रेफर करते हैं, रात में पढ़ना प्रेफर नहीं करते. दूसरा शेड्यूल उन बच्चों के लिए जो लेट नाइट स्टडी करते हैं. मैं प्रेफरेबली लेट नाइट स्टडी करती थी, बट मैंने दोनों तरह के शेड्यूल बनाए. गाइस, तुम देखोगे ना शेड्यूल के अंदर एकदम कंफर्टेबल भी जाओगे ना तो भी 13.5 to 14 आवर्स की स्टडी डेली निकाल सकते हो. अगर थोड़ा भी स्ट्रेच करोगे ना तो 14 से 15 भी तुम लेके जा सकते हो. और बिलीव मी, अगर 14 भी क्लॉक करते हो तो एक महीने के अंदर में 430 आवर्स की स्टडी होगी. और अगर 15 ले गए तब तो 450 आवर्स हो जाएगा. चार पेपर बिल्कुल आराम से तुम्हारी पढ़ाई होती है. हाँ, वो जो बच्चे जो ऑलरेडी ट्रैक पे चल रहे हैं, 5 महीने से ऑलरेडी पढ़ाई कर रहे हैं, दोनों ग्रुप की पढ़ाई कर रहे हैं, उनके पास ऑलरेडी शेड्यूल होगा. प्रेफरेबली ये शेड्यूल उन बच्चों के लिए है जिनको समझ में नहीं आ रहा कि एक महीने के अंदर क्या करना है. तो प्लीज शेड्यूल को फॉलो करो. मैं कहती हूँ अभी भी बहुत समय है, बहुत अच्छी रिविजन कर सकते हो, पढ़ाई कर सकते हो, लेक्चर्स देख सकते हो. एक बात वाइंड अप करने के पहले, मॉर्निंग आवर्स में तुम प्रेफरेबली ये करना कि तुम थ्योरी करना, बिकॉज दिमाग फ्रेश रहेगा तो थ्योरी अच्छी समझ में आएगी. उसके बाद आफ्टर रूम में लेक्चर्स देखो. किसी को भी तुमको लेक्चर्स देखने, लाइक यूट्यूब पे लेक्चर्स देखने किसी के, या तुमने कोई लेक्चर्स पेंडिंग रख रखे हैं वो लेक्चर्स देखो. और रात में प्रैक्टिकल पेपर की राइटिंग प्रैक्टिस करो. मुझे लगता है इतना काफी होगा. लेकिन हाँ, तुम्हें डिलीजेंटली, ईमानदारी के साथ, ऑनेस्टली ये शेड्यूल फॉलो करना पड़ेगा. मैंने जहाँ लेजर टाइम दिया है, मैं कहना चाहती थी कि तुम थोड़ा सा अगर इंस्टाग्राम करना चाहते हो या कुछ और करना चाहते हो तो कर लो. अवॉइड करोगे तो वो वाले आवर्स पढ़ाई में डाल देना. तो तुम्हारा बहुत अच्छा शेड्यूल डेली का बन जाएगा और काफी ज्यादा नंबर ऑफ आवर्स ब्लॉक हो जाएंगे. ये शेड्यूल में अगर जाते हो तो बिल्कुल आराम आराम से तुम पढ़ सकते हो. तो डिसाइड करो क्या करना है, कौन सा फॉलो करना है, रात का करना है, दिन का करना है, लेजर में भी पढ़ना है, नहीं पढ़ना है, क्या करना है, तुम डिसाइड करो. मेरे हिसाब से ये शेड्यूल मैंने तुमको बना के दिया है, फॉलो करो. डिसिप्लिन इज वेरी इंपॉर्टेंट टू पास एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम. एडहॉक बेसिस पे चलोगे नहीं पास होगा तुम्हारा. डिसिप्लिन और रूल को, शेड्यूल को फॉलो करो. क्लॉकवाइज शेड्यूल करना है, मतलब 6 बजे, मतलब 6:05 भी नहीं होना चाहिए तुम्हारे उठने में. ओके, ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स. और कोई क्वेरी होगी तो कमेंट बॉक्स में डालो और प्लीज सब्सक्राइब करो चैनल को, बहुत इंपॉर्टेंट है. थैंक यू.